सभी भाइयों को मंजीत यादव की तरफ से नमस्कार। आज हम अपने चैनल पे काफ़ी, मैं कहूँगा कि वर्ल्ड बिगेस्ट आर्डर मुर्रा हर वीडियो पे आपको देखने को मिलेगा जो भी चैनल डाले, लेकिन आज हम आपको काफ़ी बड़े आर्डर किए मुर्रा नस्ल की जोटी दिखा रहे हैं। वीडियो को आगे चलाएं और इसके बारे में भाई से डिटेल से पूछें। उससे पहले मैं कहूँगा, जो भी पशुपालक भाई आज हमारी इस वीडियो को पहली बार देख पा रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि आगे हम जो एक से एक शानदार और कंपटीशन के लायक जो भी पशु आपको दिखाएं, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और एक अच्छे पशुपालक को एक अच्छा पशु हमारी वीडियो के जरिए हम प्रोवाइड करवाने की जो मुहिम है उसके अंदर हर रोज़ वीडियो डालते हैं। तो मैं आगे भाई से आपको मिलवाता हूं और डिटेल से इनके पास कितने एनिमल सेल के लिए हैं और कितने सेल हो चुके हैं, भाई से एक एक पशु के बारे में डिटेल से पूछेंगे। तो आगे मैं भाई से आपको मिलवाता हूँ और इस जोटी के बारे में ज़्यादा जानकारी लेते हैं। नमस्कार जी भाई साहब। भाई रणदीप, एक बार अपना एड्रेस बता दो। भाई अमरेड़ी रोड जींद। जींद। तो आज आपने जो डेयरी फार्म है जो स्टार्ट किया है, इसका एड्रेस भी यही है? हाँ, यही क्योंकि नियर बाय पुरानी सब्जी मंडी। हाँ, आपने आज डेयरी फार्म दूसरा स्टार्ट किया है। तो अभी जो कैमरे के सामने जोटी है भाई साहब, कौन से ब्यांत में ही? भाई ये अभी चौथे ब्यांत में। हाँ जी। और ये जैसे 24-25 लीटर दूध देती है। अच्छा। हाँ हाँ। और बच्चा क्या है साथ में? नीचे मेल काफ है। नीचे मेल काफ। कितना टाइम हो गया बच्चा दिए? भाई इसने कल ही बच्चा दिया है। अच्छा, कल ही बच्चा दिया है। तो वैसे ये पहले तो ये बताओ, ये बिक्री के लिए उपलब्ध है? हाँ भाई। अच्छा, ये बिकी हुई है। बिकी हुई है। हाँ जी। ताकि कई बारी क्या होता है, वीडियो देख के पशुपालक है वो ज़्यादा फ़ोन करता रहे और पशु बिका हुआ हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। तो ब्यांत कौन सा बताया भाई साहब? फोर्थ इलेक्टेशन। फोर्थ इलेक्टेशन में। तो जो भी पशुपालक वीडियो देख रहे हैं, देखिए हर रोज़ कवरेज कर रहे हैं, अच्छे अच्छे पशुओं की तलाश में हम हरियाणा के अंदर शायद ही कोई जगह होगी जहाँ नहीं पहुँच पाए, लेकिन जोटी है चौथे ब्यांत में होते हुए सींग की क्वालिटी काफ़ी अच्छी, पतली गर्दन और जो पीछे का इसका सिस्टम है अड्डर से लेके और पीठ का, वो आप बहुत कम एनिमलों में मिलेगा आपको, चाहे आप कितनी भी तलाश करें। अगर देखा जाए जो अड्डर की क्वालिटी है और जो थनों की क्वालिटी, वो काफ़ी अच्छी है। देखिए HF गाय भी फैल है इस मुर्रा की जोटी के आगे, क्योंकि धीरे धीरे करके हरियाणा में एक से एक शानदार एनिमल हमारी वीडियोज़ के जरिए सामने निकल के आ रहे हैं, क्योंकि एक आम किसान भी काफ़ी अच्छे अच्छे पशुओं रखते हैं, लेकिन जब डेयरी फार्मर हैं वो भी आजकल सेल परचेज का काम कर रहे हैं और अच्छे एनिमल दिखा रहे हैं। तो देखिए जोटी की जो पीठ की क्वालिटी है, काफ़ी चौड़ी पीठ और देखिए एक भी मैं कहूँगा बाल नहीं जोटी की पीठ के ऊपर, साथ ही में जो इसकी अड्डर की शेप है काफ़ी बड़ा अड्डर है और साथ में ये इसके मेल काफ है। आगे हम और भी एनिमल हैं भाई के पास सेल के लिए, वो भी दिखाते हैं और जो बिका हुआ है उसके बारे में भी बताएंगे और जो सेल के लिए अवेलेबल है वो भी दिखाएंगे। तो आगे भाई के पास ये जोटी है, जोटी कौन से ब्यांत में भाई साहब? पहले ब्यांत में भाई जी। पहले ब्यांत में। कितना टाइम हो गया बच्चा दिए? इसको 7 से 8 दिन हो गए। 7 से 8 दिन। साथ में काफ क्या है? फीमेल काफ है। फीमेल काफ। और दांतों में कैसे है? चार दांत है। चार दांत। कितना दूध तैयार है भाई साहब? 17 किलो दूध तैयार है, कांटे के तौल का। बिल्कुल 17 किलो दूध कांटे के तौल का, चार दांत। चार दांत जोटी भाई के फार्म से एक हमारी वीडियो के जरिए एक पशुपालक ने ली थी, उस जोटी के भी काफ़ी अच्छे दूध के परिणाम आ रहे हैं और दोबारा वीडियो कवर करने हम उसी फार्म पे ज़्यादा कोशिश करते हैं जहाँ के एनिमल कहीं भी जाते हैं किसी पशुपालक के पास, तो अच्छा रिजल्ट जहाँ निकलता है वहीं के पशु ज़्यादा दिखाते हैं। तो जोटी की जो अड्डर की क्वालिटी है टाइट अड्डर में, और देखिए जो आगे नाभि की तरफ अड्डर है वो बहुत ज़्यादा और अच्छे दूध वाली जोटी, टाइट और जोशीले अड्डर का जो एनिमल दूध निकाल देगा, अदर एनिमल बहुत कम निकाल पाते हैं। और साथ ही में जो सींग की क्वालिटी है बिल्कुल छोटे हेड में, क्योंकि जब पशु का फेस है जितना छोटा और छोटे सींग की होगी उतनी ही ज़्यादा सुंदरता देखते ही बनती है। और अभी बच्चा देने के बाद थोड़ा पशु एक बार थोड़ा कमज़ोर दिखाई देता है, तो जोटी जब पूरे पीक पे जाएगी और मैं कहूँगा कि पूर्ण रूप से जब फीडिंग इसकी कंप्लीट डालने लग जाएंगे उस टाइम जोटी का रुबाब या जोश हम कहेंगे कि काफ़ी अच्छा बनेगा। तो जो टीथ्स हैं वो बिल्कुल मुट्ठी के एक एक अलग अलग थन हैं और
एक एक थनक आपको नीचे से क्लियर दिखाने का यही मकसद है कि कोई भी पशुपालक हमारी वीडियो देख के पेमेंट इन्वेस्ट करे तो कल को उसको ये महसूस न हो कि कोई चीज़ वीडियो से अलग छुपाई गई है। तो भाई साहब ये जोटी कौन से ब्यांत में है? ये दूसरे ब्यांत में भी आई भाई। दूसरे ब्यांत में अभी क्या बने? अभी क्या बना भी इसके 10 दिन रहते बहने के। अच्छा 10 दिन बच्चा देने के। पिछले ब्यांत का पहले में कितना दूध निकाल रखा है भाई? मैं तो निकाल के नहीं लेके आया, लेकिन ये है कि गांव राम झूठ नहीं बोलता कभी। हाँ हाँ हाँ। ये 18-19 किलो दूध दे रखे इसने पहले ब्यांत में। ठीक ठीक ठीक। तो दूसरे ब्यांत में, पहले ब्यांत में बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से तो भाई साहब लग भी रहा है इतना दूध झोटी ने निकाल दिया होगा। 6 दांत में और इतना हैवी शरीर, जो मैं कहूँगा कि हर क्वालिटी, जितनी भी वीडियोज हमने पहले भी 2-3 वीडियो कवर किए भाई के फार्म पे और काफ़ी पसंद किए लोगों ने। तो देखिए झोटी बिल्कुल पतली गर्दन और छोटा सींग, और मैं कहूँगा कि जो पीठ की चौड़ाई है वो एक अच्छे दूध वाले एनिमल में मैन वही देखी जाती है, क्योंकि पशु का जो दूध वाला सिस्टम है वो पीठ के ऊपर ही सेट होता है। तो झोटी काफ़ी अच्छी क्वालिटी की। भाई साहब ये जो अभी झोटी पहले और दूसरे ब्यांत वाली हैं, ये बिकी हुई हैं या बिक्री के लिए? नहीं, ये अवेलेबल है भाई, बिक्री के लिए हैं। तो अभी दोनों पशु बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। मैं भाई का नंबर भी दे रहा हूँ, आगे हम इनकी एक झोटी और भी दिखाएंगे वीडियो में, एक ब्यूटी कंपटीशन के लिए भाई ने तैयार की है। और रणदीप मलिक जो कि इनका फार्म चिराग मलिक डेयरी फार्म के नाम से है, और काफ़ी अच्छे पशु रख के और काफ़ी कम टाइम में पब्लिक के समक्ष आए हैं सोशल मीडिया में। काफ़ी भाई को, कोई भी पशुपालक ऐसा होगा जो नहीं जानता होगा। तो एक ये झोटी भाई के पास है जो कि कंपटीशन के लिए भाई ने तैयार की है, और झोटी में कंपटीशन में जो एक अच्छी झोटी में क्वालिटी होनी चाहिए, हाइट लेंथ और जितना भी बॉडी स्ट्रक्चर है सींग से लेके और मैं कहूँगा कि पूंछ तक काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है। तो भाई साहब ये झोटी अभी कौन से ब्यांत में है? दूसरे ब्यांत में भेज गया इसके भाई 2.5 से 3 महीने रहते हैं। 2.5-3 महीने बाकी हैं। और दूध का रिकॉर्ड क्या रहा है? 19 किलो पहले ब्यांत में दिया भाई। तो इससे पहले भी आपने कई कंपटीशन में लगाई है? नहीं भाई, कहीं नहीं लगाई है। पहली बार ही लेके जा रहे हो? पहली बार ट्राई के कंपटीशन में लगाएंगे इसको। ठीक ठीक ठीक। तो जो भी पशुपालक देख पा रहे हैं, देखिए इसकी जो थन है वो भी काफ़ी अच्छे हैं, साथ ही में हाइट लेंथ बहुत ज़्यादा है झोटी की, बिल्कुल छोटा सींग। और हम कहेंगे कि जहाँ तक हमारा तजुर्बा है, वीडियो हम कंपटीशन में भी बनाते हैं और आम फार्मर के पास भी, झोटी जहाँ भी जाएगी काफ़ी अच्छा और मैं कहूँगा उमदा प्रदर्शन दिखाएगी। और हम कोशिश करेंगे कि जब कंपटीशन में झोटी जाए तो हम वहाँ पे भी इसकी वीडियो कवर करें, ताकि पशुपालक भाइयों को लगे कि अच्छे अच्छे एनिमल जो हम दिखाते हैं उसके अंदर झोटी अपना जो भी रिजल्ट दिखाएगी। अभी कंपटीशन नज़दीक ही है, तो आगे हम एक बार जो भी एनिमल भाई के पास है इनको खोल के चला के दिखाते हैं। तो देखिए हम जो आपको काफ़ी बड़े आर्डर की जो पहले नंबर पे जो झोटी दिखाई थी 4th ब्यांत में, उसकी हम आपको चला के दिखा रहे हैं, क्योंकि पशु का जब खोल के चलाते हैं तो ही पूर्ण रूप से पता लग पाता है। झोटी काफ़ी हैवी वेट में, और देखिए जो आर्डर की क्वालिटी है और जो थनों की वो काफ़ी शानदार, और खुल के चलने पे एनिमल की काफ़ी जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसके अंदर अगर कोई कमी भी हो तो वो क्लियर दिख जाती हैं। काफ़ी बड़ा लेवा है, खाली होने के बाद झोटी जब इसको पूरा भर के लेके आएगी तो काफ़ी अच्छी रहेगी। भाई ने तकरीबन मेरे हिसाब से आज खाली कर ही रखी है, कुछ जोश कम लग रहा है आर्डर में, क्योंकि इतना बड़ा लेवा, और दूसरा बड़ा होने के बाद हिलने लग जाता है, लेकिन इस झोटी का जो आर्डर है वो काफ़ी सेट है, और सेट आर्डर का ही पशु ज़्यादा दूध निकालेगा। तो देखिए जो पहले ब्यांत की झोटी हमने वीडियो में आपको दिखा रहे थे, एक साथ इतने एनिमल खोल के चलाना बहुत मुश्किल है, लेकिन देखिए काफ़ी शो क्वालिटी के एनिमल हैं और हम इतनी मेहनत से वीडियो कवर कर रहे हैं और आपके समक्ष लेके आ रहे हैं। मैं पशुपालक भाइयों को कहना चाहूँगा कि आपका एक कमेंट और एक लाइक काफ़ी हमारी वीडियो के अंदर काफ़ी अहमियत रखता है, ताकि हम जो मेहनत कर रहे हैं उसके अंदर आगे भी हम जब वीडियो कवर करें, और आपके कमेंट के जरिए ही पता लगता है कि एक अच्छा पशुपालक की वीडियो हम जो कवर कर रहे हैं, और इतनी मेहनत से भाई अच्छे अच्छे पशु आपके समक्ष लेके आ रहे हैं। इस टाइम में पशु वैसे भी बच्चा बहुत कम दे रहे हैं, लेकिन तब भी इतनी महंगाई और साथ ही में अच्छे पशु कम रहने के बाद भी भाई अच्छे अच्छे पशु प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो मैं रणदीप भाई का नंबर भी बता रहा हूँ, जो भी पशुपालक अधिक जानकारी इन पशुओं के बारे में लेना चाहता है
वो भाई से संपर्क कर सकता है। तो भाई साहब अपना संपर्क नंबर बताओ। 70-56-41-26-80। हाँ जी, एक नंबर और बता दो। कोई सब नंबर है मेरा 99111। हाँ जी, 37002। ठीक ठीक। और मंजीत भाई मैं एक बात और बोलना चाहूंगा। हाँ जी। क्या होता है कि दिन में बहुत ज्यादा फोन आते हैं, जैसे जो हमने फीड की डाली वीडियो, वो वीडियो का पर्पस था भाई उसमें बताने का, ठीक है। क्या होता है कि पूरा दिन फोन करते हैं भाई उसको कैसे दे, उसमें मैंने पूरा बताया हुआ है उसको उबाल के देना है, कैसे देना है, कितनी क्वांटिटी में देना है, ठीक है। लेकिन उसी के बारे में पूछते हैं और इस चक्कर में हम बहुत सारे इम्पोर्टेंट फोन नहीं उठा पाते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा भाई, जिसको बहस लेनी है या जिसको रिक्वायरमेंट है कुछ, ठीक है, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे वो रिक्वायरमेंट डाले। अच्छा अच्छा। अगर बहस लेनी है तो उसके लिए मेरे को फोन करें, अगर कोई रिक्वायरमेंट है या कुछ पूछताछ करनी है। अगर कोई पूछताछ करना चाहता है उसके लिए आप अलग से शेड्यूल बनाएं, जैसे मैंने शाम को 7 से 7:30-8 के बीच में जो टाइम है उसमें सिर्फ पूछने वाले ही फोन करते हैं। ऐसा है भाई, शेड्यूल की ये बात होती है पूछने की, तो उस टाइम पे होता है कि एकदम 100 बंदे इकट्ठे हो जाए पूछने वाले, फिर उनके फोन बजते रहे, तो हम इतने फोन कॉल अटेंड नहीं करते हैं। क्या है, व्हाट्सएप पे अपना वो डाले, मैसेज डाले, हाँ भाई मुझे फीड के बारे में बताओ या मुझे बहस लेनी है, या कुछ ऐसे भी इस टाइम पे ऐसे लोग भी बच जाते हैं जिनकी हम फोन कॉल नहीं उठा सकते हैं, ठीक ठीक, जो बहस लेने वाले हैं, ठीक है। तो वो मेरे को डाले अपना पूरा एड्रेस और ये बताए, हाँ भाई मेरे को एक बहस लेनी है, दो लेनी है, 10 लेनी, 5 लेनी है, ठीक ठीक, कितने दूध वाली लेनी है, किस प्राइस रेट की लेनी है, ठीक ठीक, या किसी को फीड के बारे में पूछना तो वो। वैसे अपने पास फार्म पे ऑल टाइम कितनी भैंसें अवेलेबल रहती है? जो पहले रहती थी वो रहती थी 35 से 40। हाँ। अब ऑल टाइम पे मेरे पास भैंस आ करेंगी, चाहे गर्मी हो सर्दी हो, भैंस का डिलीवरी रेट कम हो या ज्यादा हो 100 भैंस रखा करूंगा, मतलब जो कि इसीलिए ये शेड बनाया है, ठीक है। ठीक ठीक। हाँ। ठीक। तो जो भी भाई वीडियो देख रहे, भाई ने बिल्कुल क्लियर बताई एक एक बात, ताकि काफी पशुपालक है जो परेशान करते रहते हैं, तो जो भाई इन पशुओं के बारे में जानकारी लेना चाहता है वो भाई से संपर्क कर सकता है। एक और बात पूछते हैं। हाँ जी भाई, एक ये बात पूछते हैं, मैं एक भैंस लेके आया था वो 7 किलो दूध दे रही है भाई, अब इस भैंस की 25 किलो की है तो इसकी 17 किलो की है, हो सकता है ये 22 दे दे या कोई 10 दे दे। फिर वो जानकारी जहाँ से पशु लेते हो ना वहीं से लेनी चाहिए भाई साहब। बिल्कुल, ये तो देखो उनके ऊपर डिपेंड करता है वो कैसी ब्रीड लेके आए, अगर ये अच्छी ब्रीड नहीं होती कौन हरियाणा में आता है, मतलब बिल्कुल बिल्कुल, फिर वो 7 दे रही है, 6 दे रही है, वो तो देखो एनिमल ने देना है, ब्रीड दूध देती है 20 वाली 22 कर देगी, 7 वाली 22 नहीं करेगी, 7 वाली 8 करेगी, 8.5 करेगी, ठीक ठीक। तो सभी पशुपालक भाई जो वीडियो देख रहे हैं देश विदेश में, वो आपके समक्ष हम अच्छे अच्छे जो मुर्रा के नायाब नगीने हैं उनकी वीडियोस लेके आते रहेंगे। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। लास्ट में सभी पशुपालक भाइयों को मंजीत यादव की तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, राम राम।